हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे थे एनसीईआरटी का सीरीज दे रहा था मैं सॉल्यूशन चैप्टर का, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि घर बैठे जो है वो आप अपने सिलेबस को पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब लोग फ्रस्ट्रेट होने की संभावना लोगों को घर में बैठे बैठे होती है, पर आपके पास बहुत सारे काम हैं। आप पहले सबसे पहले काम क्या करेंगे कि जो मैं दे रहा हूँ लेक्चर आपको, उसका पूरा नोट्स लिखेंगे, देन मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊंगा, आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि सर आपने कितना क्वेश्चन जो दिया था उसमें कितना क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। अब सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, जैसा आपको पता है कि सेशन थोड़ा सा लेट हो चुका है इस बार, और कोरोना की वजह से अभी संभावना क्या है ये बताया नहीं जा सकता है। बट मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मेरा चल रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तक पेरेंट्स का आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जिनको भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है सेशन 2020-21 के लिए, आपको पता है वैसन के क्लासेस प्रेम नगर में त्यागी मार्केट में शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए आप उस नए एड्रेस पे आने में हो सकता है अभी थोड़ी परेशानी हो, और अभी वैसे भी आना जाना बिल्कुल बंद है, तो हमने सोचा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके लिए तैयार किया जाए। तो जिन भी बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराना है, आपके पास ये स्क्रीन पे जो भी व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप अपना नाम, स्कूल नेम ज़रूर अपना व्हाट्सअप करें, और उसके बाद मैं आपको एक अकाउंट नंबर दूंगा जिसमें आप चाहे तो पेटीएम के थ्रू, या अगर आप चाहें तो आप मोबाइल के थ्रू जो है वो 200 पेमेंट करके अपना सीट बुक करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर डिस्कस करने वाले हम लोग मोलालिटी, हम लोग डिस्कस कर चुके थे मोलारिटी भी डिस्कस कर चुके थे, तो आज डिस्कस करने वाले क्या हैं, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज और पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग जीटा से डिनोट करते हैं, या इसको सिंपली हम लोग एक्स लिखेंगे, ठीक। मोल फ्रैक्शन निकालना है जब भी आपको किसी भी सॉल्यूशन में, चाहे तो सॉल्यूट का निकालना हो चाहे सॉल्वेंट का। मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ बेटे, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है ऑन नंबर ऑफ मोल, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल से, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी भी अगर आप सॉल्यूशन की बात करोगे तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट तो दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट, ठीक है। और आपको पता था कंडीशन मैंने बता रखा है कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल हमने कुछ मान लिया Nb, और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल मान लिया Na, सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहे थे। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मान रहा हूँ Xb, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मान रहा हूँ Xa, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, Xb निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सर, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी का मोल लेंगे, ऑन नंबर ऑफ मोल, मतलब सॉल्यूट का मोल लेंगे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालें तो मोल भी सॉल्यूट का लेंगे, एन बी लेंगे, और अपन टोटल मोल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, मतलब एन बी प्लस क्या एन ए, ठीक है। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन आप सॉल्वेंट का निकाल लो बेटा, सॉल्वेंट का निकालोगे तो जिसका निकालना उसी का मोल लोगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एन ए हो जाएगा, अपॉन टोटल मोल, मतलब एन बी प्लस एन ए, ठीक है। अब यहाँ क्या है, देखो इन दोनों को आप ऐड कर दो, अगर आप ऐड करोगे एक्स बी और एक्स ए को अगर आप ऐड कर दो तो ये वैल्यू ऑलवेज वन आएगा, एकदम माइंड में रिमेंबर रखना इस बात को। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक्स बी का वैल्यू आप इसको पुट कर दो एन बी, और अपॉन एन बी प्लस क्या लिखोगे आप एन ए, ठीक है, और एक्स ए के जगह में आप क्या लिखोगे एन ए, और अपॉन एन बी प्लस एन ए। अब अगर यहाँ देखोगे आप तो एल सी एम एन बी प्लस एन ए जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम जो जाएगा वो एन बी प्लस एन ए जाएगा, तो ऊपर बचेगा कंडीशन एन ए और प्लस एन बी, तो ये कट के वैल्यू कितना जाएगा वन। इसीलिए ध्यान रखना है कि चाहे बाइनरी सॉल्यूशन हो, चाहे दो से ज़्यादा कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो, सबके मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज जो आएगा वो कितना आएगा, वन आएगा, ठीक है। अब अगर एक्स बी प्लस एक्स ए इक्वल टू वन आ गया तो यहाँ से एक्स बी आप निकाल सकते हो वन माइनस एक्स ए, या तो आप एक्स ए निकाल सकते हो वन माइनस क्या एक्स बी, राइट। इतना बात क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ से कुछ कंडीशन आपको क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको अगर थ्योरी ये समझ में आ गया ना, तो आपको लेके चल रहा हूँ इसका अगला भाग पे, क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स्ड का 2.2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि कैलकुलेट, लिख रहा है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, समझना ध्यान से, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग 30% बाय मास
इन कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको हम लिखते हैं CCl4, ठीक है, बोल रहा है कि आपको मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है। तो बेटे जब मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है CCl4 में, तो अगर मोल फ्रैक्शन आपको बेंजीन का निकालना होगा ना, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी का मोल लेना पड़ेगा, मतलब मोल बेंजीन का लेना पड़ेगा, और अपन टोटल मोल में बेंजीन का मोल प्लस CCl4 का मोल लेंगे, तो यहाँ बेंजीन का मोल और प्लस मोल ऑफ CCl4। अब पता है क्या है, अगर इन दोनों का मोल मिल जाए तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, मतलब हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मोल निकालना है, और मोल निकालने के लिए आपको वेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट तो हमें पता है इन दोनों का, पर गिवन वेट नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। देखो इधर मैंने कल बताया था, लिखा हुआ 30% बाई मास, बाई मास को हम लोग वेट बाई वेट लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, परसेंट मतलब 100, मतलब सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का होगा, बाय मास मतलब ग्राम, अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का होगा तो उसमें 30 ग्राम जो है वो क्या प्रेजेंट है, बेंजीन लिख रहा है, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, ठीक है ना, बेंजीन इन CCl4 में 30% बाय मास क्या है, बेंजीन है। मतलब 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 30% बाय मास, मास मतलब ग्राम, 30 ग्राम जो है वो क्या है, बेंजीन है। तो हम इसको लिखेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स, क्या लिखोगे आप, 30 ग्राम बेंजीन। तो बेटे अब यहाँ से आपको वेट ऑफ बेंजीन मिल गया, तो नंबर ऑफ मोल भी तो मिलेगा बेंजीन का, वेट अपन मॉलिकुलर वेट, वेट हो गया 30, और मॉलिकुलर वेट होता है बेंजीन का 78, कैसे कार्बन है ना, तो 12 × 6 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 1 × 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से नंबर ऑफ मोल CCl4 का निकाल लो बेटा, CCl4 का निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट ऑफ CCl4 कितना होगा, एक बात बता बेटा, CCl4 में प्रेजेंट है, तो जिसमें प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और बेंजीन क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो अगर 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट है, बोल रहा हूँ 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम अगर सॉल्यूट है, तो जो बच गया 70 ग्राम वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट क्या है, CCl4 है। इसका मतलब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया, कितना 100 − 30, तो ये हो गया आपका 70, और अपन मॉलिकुलर वेट इसका निकाल लेंगे 154 आ जाएगा, कार्बन 12 होता बेटा, और इसका 35.5 और × 4, तो ये 154 आ जाएगा। अब अगर दोनों का मोल मिल गया बेटा, तो यहाँ रख दो वैल्यू, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कितना रखोगे, 30/78, यहाँ पे हो जाएगा 30/78 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 70/154, यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का मिलेगा 0.58, क्लियर है। अब अगर यूनिट की बात करेंगे बेटा, तो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तोल झोल हो गया, मतलब मोल फ्रैक्शन है नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन का किसी तरह का कोई यूनिट नहीं होगा, क्लियर यहाँ तक बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है वो NCERT के इंटेक्स्ट का 2.5 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में जो है बोल रहा है कि कैलकुलेट, फर्स्ट लिख रहा है मोलालिटी, सेकेंड लिख रहा है मोलारिटी, और थर्ड लिख रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ 20%, समझना ध्यान से, डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास, ऐसा लिखा हुआ है, मास बाय मास ऑफ KI या मास बाय मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KIH, डेंसिटी का वैल्यू गिवन है बेटा यहाँ पे 1.202 ग्राम, सुनना 1.202 ग्राम पर ml। अब देखो इधर अगर ऐसा क्वेश्चन में है बेटा, बोल रहा है तीन पार्ट है, एक मोलालिटी निकालो, एक मोलारिटी निकालो, और एक मोल फ्रैक्शन निकालो, तीन केस है, ठीक है ना, तो एक एक करके निकालेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको लिखा हुआ है 20% बाय मास, तो पहले इसी को ओपन कर लेते हैं ना, थोड़ा आधा डाटा मिलेगा। 20% बाय मास मतलब वेट बाय वेट, कैसे पढ़ोगे इसको, कि इसका मतलब सर ये है एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी सॉल्वेंट है, तो KI क्या है, सॉल्यूट है, मतलब 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 20 ग्राम KI प्रेजेंट है। तो आप लिखोगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स, 20% है ना, मतलब 20 ग्राम किसका है, KI का है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना कि टोटल में 20% मार्स मेरे आए, तो 100 का टोटल में 20% मार्स आपका है, बोलो क्लियर है। वैसे ही KI 20% प्रेजेंट है, मतलब अगर टोटल 100 का सॉल्यूशन है तो उसमें KI कितना है, 20 ग्राम है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ देखोगे तो वेट मिल गया KI का, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि पानी तो सॉल्वेंट है तो KI सॉल्यूट होगा, तो ये 20 मिल गया।
और मॉलिकुलर वेट यहाँ पे क्या ही का निकाल लेंगे, पोटेशियम आपको पता है कंडीशन 40 होता है, तो और आयोडीन का हमें पता है, तो दोनों ऐड करेंगे तो 166 आ जाएगा। अब यहाँ से एक डाटा आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो वेट मिल गया, मॉलिकुलर वेट मिल गया, तो नंबर ऑफ मोल मिलेगा। अब रुको, अगर सॉल्यूट का वेट मिला बेटा तो सॉल्वेंट का भी तो वेट मिला, 100 के सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो जो रिमेनिंग 100 माइनस 20 होगा 80 ग्राम वो सॉल्वेंट होगा। बात क्लियर हो गया? अब देखो मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना, मोलालिटी पहला निकाल लेते हैं, ठीक है। मोलालिटी इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो जल्दी, डब्ल्यू बी फॉर्मूला बता रखा हूँ अपॉन एम बी और इन टू क्या लिखोगे 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इन ग्राम। तो बेटा डब्ल्यू बी का फॉर्मूला आपका डब्ल्यू बी 20 है, एम बी 166 हो गया और इंटू 1000 हो गया बेटा, और यहाँ से डब्ल्यू ए 80 हो गया। इन जब को सॉल्व कर लेंगे इनको तो यहाँ से आपको निकलेगा ये 1.506 और मोलालिटी का यूनिट है स्मॉल एम, ठीक है, डन यहाँ तक। दूसरा सेक्शन क्या बोल रहा है ये देखो, सेकेंड आपको पूछ रहा है मोलारिटी कैपिटल एम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मोलारिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, पर डेंसिटी गिवन है ना, तो डेंसिटी में 1000 लेना क्योंकि इसको मिलीलीटर में लेना होगा, ठीक है ना, वो मिलीलीटर में। तो एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी तो पता है, डब्ल्यू बी 20 और ये 166 और इंटू 1000। अच्छा एक बात रुकना, हाँ ये वॉल्यूम है ना, जरा खुद सोचो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कल मैंने बताया तो था मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम। तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था 100 ग्राम और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यहाँ पे देखो डेंसिटी 1.202g दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मोलारिटी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 1.448m कैपिटल एम, ठीक है। अब दो डाटा अगर निकल गया ना तो एक और डाटा इसमें क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ना, थर्ड पार्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, तो थर्ड लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, ठीक है बेटा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या होगा, ऑन मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ के आई और टोटल मोल का मतलब के आई का मोल हो जाएगा और प्लस दूसरा कंपोनेंट वाटर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ के आई अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू कितना है 20 अपॉन 166, और 20 अपॉन 166 डिवाइडेड बाय 20 अपॉन 166 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट हो गया 80 और मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन आपका किसका निकलेगा, के आई का, ये वैल्यू निकलेगा 0.0264, ये हो जाएगा आपका थर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में तीन पार्ट आपको पूछ रहा है, एक पूछ रहा है मोलालिटी निकालो, एक बोल रहा है मोलारिटी निकालो, और एक बोल रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लोगे, राइट, पक्का। ये मोल फ्रैक्शन के बाद जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ अगला हेडिंग, वो है मास परसेंटेज, ठीक है, ये लिख रहा हूँ मास परसेंटेज। पता है बेटे बिल्कुल वैसे ही निकालना, वहाँ मोल वाला था यहाँ मास है, ठीक है ना। तो मास परसेंट निकालने का तरीका क्या होगा, ऑन मास और इसको अपने को डिवाइड कर देना है किससे, टोटल मास से, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से, ठीक है। ऑन मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, इससे निकल जाएगा आपका मास परसेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जैसे क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं तो और अच्छा क्लियर होगा। जैसे मान लो आपको इंडेक्स का 2.1 बोलूँ मैं, तो इंडेक्स का 2.1 जो है एनसीईआरटी में, उसमें बोलता है कंडीशन क्या कि कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4, ऐसा लिख रहा है, ठीक है बेटा। तो अगर मास परसेंट बेंजीन का निकालना है, मास परसेंट बेंजीन का, तो कैसे निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ बेंजीन अगर निकालना है
तो मास परसेंट बेंजीन का निकालें, ऑन मास जिसका निकाल रहे हैं उसी का मास, बेंजीन का मास, तो बेंजीन का मास कितना दिया हुआ आपको 22 अपॉन टोटल मास, मतलब बेंजीन का मास प्लस CCl4 का मास, तो बेंजीन हो गया 22 और प्लस ये हो गया 122 और परसेंट बोल रहा है बेटा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, तो ये वैल्यू 15.27% निकलेगा। ये मास परसेंट किसका निकला, बेंजीन का। सिमिलरली मास परसेंट आप निकाल सकते हो CCl4 का, तब लिखोगे जिसका निकालना है उसका मास, मतलब इस बार CCl4 का निकाल रहे हैं, इसका मास लेंगे 122 अपॉन टोटल मास, इसका प्लस इसका, तो 22 प्लस 122 और इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको सिर्फ 100 से, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा 84.73%। अच्छी बात और है ना बेटे, आप बहुत सिंपल बात सोचो ना, यहाँ से एक चीज़ और भी दिमाग में आएगा, कहोगे कि सर क्या बेटा, अगर इसका मास परसेंट इतना है तो 100 में माइनस कर दो, सीधा जो बचेगा वो ये होगा, ठीक है ना, तो इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन टेक्स्ट का है था, यहाँ से एक क्वेश्चन और है बेटा, एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे ना तो 2.7 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, वो भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या सॉल्यूशन इज ऑप्टेन बाय, सॉल्यूशन इज ऑप्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा, 300 ग्राम ऑफ लिख रहा है 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन, ठीक है ना, 40% सॉल्यूशन, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मास परसेंट निकालना है किसका, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। तो बेटा एक बात सुन लो आप लोग, पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बन रहा है उसका मास परसेंट निकालना है। अच्छा एक बात और है, अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं रखे होंगे ना, मैच नहीं कर पाएंगे, घबराने की बात नहीं है, मुझे पता नहीं एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, यही तो एक्सपीरियंस है ना, तो आप बेफिक्र रहिए, आराम से अपना जो है वो क्वेश्चन मैं आपको लिखते जा रहा हूँ, देखते जाइए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, फिर असाइनमेंट जो दूंगा ना उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आपका सब काम फिनिश हो जाएगा। एक बात देखो लिख रहा है क्या कि एक सॉल्यूशन है जो ऑप्टेंड हो रहा है किससे, 300 ग्राम का 25% सॉल्यूशन। तो बेटे इधर देखो, ये 300 ग्राम का 25% सॉल्यूशन है, ठीक है, 25/100 मतलब कितना हो गया, ये 75 ग्राम हो गया ये, और दूसरा बोल रहा है क्या 400 ग्राम का 40%, यही तो बोल रहा है, मतलब ये कितना हो गया बेटा 160 ग्राम। बोल रहा है कि ए सॉल्यूशन इज ऑप्टेंड बाय मिक्सिंग ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन ऑप्टेंड हुआ, तो इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट आया बेटा वो 75 प्लस इतना आया, 75 प्लस 160, तो ये हो गया आपका कितना बेटा, ये हो गया 5 और ये हो गया कितना आपका 3 और ये हो गया 2, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अब एक बात, एक मिनट जरा मेरी बात सुनना, पहले लिखना बिल्कुल नहीं, इतना ग्राम सॉल्यूट यहाँ से आया, बोल रहा है मास परसेंट निकालो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। बेटा रिजल्टिंग सॉल्यूशन के अंदर दोनों तो कंपोनेंट आए होंगे, सॉल्यूट भी आया होगा और सॉल्वेंट भी आया होगा, तो आप जो मास परसेंट निकालोगे वो सॉल्यूट का भी निकालोगे और सॉल्वेंट का भी निकालोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, तो 300 ग्राम लिए थे उसका 25% आया, 400 का इतना है, मतलब टोटल ग्राम जो यहाँ आया वो कितना आया, 10 प्लस 10 ये आया, तो सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मास कितना आया इतना, तो मास परसेंट निकालेंगे तो ऑन मास, मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास, ठीक है, सॉल्यूट का मास परसेंट निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का मास लेंगे रिजल्टिंग में, तो सॉल्यूट का मास हो गया इतना अपॉन टोटल मास जो इनिशियली लिया गया था, टोटल मास 300 और 400 मिला के कितना हो गया 300 और प्लस 400 ये मिला 7 और परसेंटेज बोल रहा है बेटा, तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यहाँ से सॉल्व कर लेना 33.57% ये आ जाएगा। अब अगर ये आ गया ना तो आपका मास परसेंट सॉल्वेंट का भी आएगा, कैसे आएगा, 100 में आपको 33.57 माइनस कर देना है, आपको आंसर 66.43 मिल जाएगा, ठीक है, कर लोगे यहाँ से, ये 66.43% आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन आपको करना, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है और आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एकदम ईजी वे में आपको समझाते आ रहा हूँ, आपको बहुत ईजिली इसको सॉल्व भी कर लेना है, राइट, डन। नेक्स्ट कंडीशन आपको जो लिखने जा रहा हूँ इस पर ध्यान दो, अगला लिख रहा हूँ आपके पास नेक्स्ट हेडिंग जो वो है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज हो गया, चलो ठीक है, मास परसेंटेज हो गया, अगर मोल फ्रैक्शन भी हो गया, तो नेक्स्ट कंडीशन लेके आ रहा हूँ
PPM जिसका फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। बेटे पार्ट्स पर मिलियन एक स्पेशल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट है। आप सोचोगे सर ये स्पेशल क्या है इसमें, एक्चुअली पार्ट्स पर मिलियन एक ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है जिसको हम लोग यूज करते हैं वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में पहले बैठाना है। सो लिख रहा हूँ कि दिस कंसंट्रेशन यूनिट, ठीक है ना, दिस कंसंट्रेशन यूनिट, कंसंट्रेशन यूनिट इज यूज्ड फॉर, है ना, यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो कंसंट्रेशन यूनिट है इसको यूज करते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे क्या बेटा, पीपीएम अगर निकालना आपको तो पीपीएम को जो है ना वो बहुत आसानी से निकालते हैं। इसको दो तरीके से निकालते हैं, एक मास के टर्म में, एक वॉल्यूम के टर्म में, पर अपने को सिलेबस में मास के टर्म में ही है एनसीईआरटी में। तो पीपीएम निकालने का तरीका मास परसेंट की तरह है, ऑन मास जिसका निकालेंगे पीपीएम उसका मास लेंगे, ठीक है, अपॉन टोटल मास मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का, ठीक है। और बेटा पहले मास परसेंटेज निकालते थे ना, तो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते थे, अब मिलियन निकालते हैं तो मिलियन से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 का पावर 6 ले लेना है, बस इतना ही तो है आपके पास कंडीशन, और कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ एनसीईआरटी का, समझना ध्यान से, एक्सरसाइज का 2.7 क्वेश्चंस भी होगा ये। क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा, लिख रहा है कि अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, चलो मैं पहले पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ समझ लो, अ सैंपल ऑफ, अब साथ साथ लिखते चलो, हाँ लिखते चलो, टाइम अपना किल मत करो, क्वेश्चन नोट करते चलो, जब मैं समझाऊंगा ना उस टाइम आप रुक जाना आराम से, ठीक है। लिख रहा हूँ कि अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर इज कंटामिनेटेड विद, कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3। लिख रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर है जिसमें क्लोरोफॉर्म का कंटामिनेशन है। बोल रहा हूं कंडीशन, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज फाउंड टू बी 15 ppm बाय मास, ठीक है बेटा। बोल रहा है जो लेवल ऑफ कंटामिनेशन है वो 15 ppm बाय मास। आपको बोल रहा है क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक बोलता है कि एक्सप्रेस दिस इन मास परसेंट, ठीक है, इसको मास परसेंट में निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन में जो पार्ट है वो लिख रहा है कि फाइंड मोलालिटी, मोलालिटी नॉट मोलारिटी, मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर, ठीक है, ये कंडीशन है आपके पास। अब बेटा एक बात समझो, सबसे पहले क्या है आपको दिया हुआ है कि एक ड्रिंकिंग वाटर है, जरा समझना ध्यान से मेरी बात, फिर आपको आंसर पे लेके आऊँगा। अगर ये ड्रिंकिंग वाटर है बेटा, ये वाटर है तो निश्चित तौर पे वाटर तो सॉल्वेंट होगा, तो इसमें जो कंटामिनेशन क्लोरोफॉर्म का प्रेजेंट दिख रहा है वो क्या होगा, सॉल्यूट। इसका मतलब ये जो पीपीएम दिया हुआ है ना आपको, पीपीएम 15, ये किसका दिया हुआ बेटा, सॉल्यूट का दिया हुआ ना पीपीएम। चलो भाई अगर बोल रहा है ऐसा ना कि अब इसको आप मास परसेंट में लिखो, कि मास परसेंट में इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका है बेटा। अगर पीपीएम सॉल्यूट का दिया हुआ है तो अभी आपने पीपीएम इक्वल टू क्या बोला बेटा, बोला कि सर ऑन मास, सॉल्यूट का दिया हुआ तो सॉल्यूट का मास मतलब डब्ल्यू बी अपॉन टोटल मास मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और बेटा पीपीएम है ना मिलियन है, मिलियन को 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब पीपीएम का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ नहीं है, ठीक है, अब इसको रहने दो, ऐसा लिखो डब्ल्यू बी और ये डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए। और बेटा एक बात बताओ, ये जो 10 का पावर 6 है इसको अगर मैं 10 का पावर 2 और 10 का पावर 4 लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब पता है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, आप बोलोगे सर कैसे, अरे बेटे ये ऑन मास अपॉन टोटल और इंटू 100, यही तो मास परसेंट है, तो आप 15 इक्वल टू लिखोगे क्या, मास परसेंट और इंटू 10 का पावर 4 लिख दोगे, बोलो ऐसा कर लोगे, हो जाएगा ऐसा। अब आसान हो गया कि सर इसको नीचे लाइए सर तो मास परसेंट निकल जाएगा, तो देयरफॉर मास परसेंट इक्वल टू निकला बेटा 15
अपॉन 10 का पावर 4 मतलब 15 इंटू 10 का पावर माइनस 4%। बोलो है समझ में, क्लियर। अब अगर मास परसेंट निकला ना तो अब आसान हो जाएगा। एक और पार्ट क्या है, फाइंड मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर। बेटा देखना बड़ा बेहतरीन पार्ट होगा बच्चों ये अपने आप में, ठीक है ना। बोल रहा है फाइंड मोलालिटी, सुनना इधर, ये पूछ रहा है मोलालिटी, हट। एक बात बताओ मुझे पहले, जो मैं बता रहा हूँ मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है ना, और इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ये तो बात क्लियर है इन ग्राम, ठीक है ना। बात है कि सर ये जो आप जो मोलालिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं इसमें डब्ल्यू बी वगैरह तो कुछ नहीं दिया हुआ है। अरे बेटा कोई बात नहीं यार, एक काम करो, मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ उसको समझ लो। मास परसेंट अभी आपने निकाला ना, मास परसेंट 15 इंटू 10 का पावर 4 निकाल लिया, ठीक है। तो बेटा मास परसेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, ऑन मास सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास, और इंटू क्या लिखोगे 100 इक्वल टू 15 इंटू 10 का पावर 4। मास परसेंट का फॉर्मूला यही है बेटा। अब एक बात बताओ, इस 100 को नीचे लाओ तो ये क्या बनेगा कंडीशन, डब्ल्यू बी और अपॉन डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए इक्वल टू 15 इंटू 10 का पावर। देखो जरा यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा, यहाँ पे ये माइनस 4 है ना, ये तो यहाँ पे आ गए, ये दो और ऊपर जाएगा तो ये 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर इससे क्या फ़ायदा है, फ़ायदा है ना बेटे, देखो क्या फ़ायदा है, मैं आपको छोटा बात बताता हूँ, ज़रा समझना, जो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था उसी कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ लेना है, यहीं पे आंसर छुपा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये, और एकदम 2021 के लिए बोर्ड के लिए आप एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिए, लिख लीजिए वहाँ पे कमिंग सून 2021, एकदम बोर्ड में आने की अच्छी खासी संभावना इस क्वेश्चन का रहेगा। अब एक बात बताओ, अभी क्या बोला आपने कि सर ये जो पीपीएम का ही तो केस है इस पूरे क्वेश्चन में, तो सर पीपीएम तो आपने बोला कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे, एकदम ध्यान से देना, देखना मेरी बात, पीपीएम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। और बेटा अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट, मेरी बात समझ गए, बोल रहा हूँ कि अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा मतलब क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो मच लेस देन होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट के अमाउंट को उड़ा दो, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट के अमाउंट को उड़ा दो। बोलो आया समझ में, तो ये डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए मिल गया टोटल। अब ये अब यहाँ रख दो, ये देखो ना ये पूरा कट पूरा डाटा मिल गया, आंसर हो गया मोलालिटी एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए आ गया कितना 15 इंटू 10 का पावर माइनस 6। और मोलर मास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बेटा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास होता है 119.5। जरा देख लो बेटे, यहाँ कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5 इंटू 3 सो 119.5 और इंटू 1000 मतलब हो गया ये 10 का पावर 3 सो यहाँ से सॉल्व करेंगे 1.255 इंटू 10 का पावर आ जाएगा आपका कितना -11 आंसर। बोलो है समझ में, यहाँ से आप क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आएगी तो फिर यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। आया समझ में दोस्त, क्लियर हुआ मेरी बात? अगर मेरी बात आपको क्लियर हो गया है तो मैं उम्मीद कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आप उसको लिख लीजिएगा पूरा, और इसके बाद इस आर्टिकल के कंप्लीट होने के साथ ही हम लोगों ने कंसंट्रेशन यूनिट को फिनिश किया। अब आपको इसका असाइनमेंट दूंगा, लेकिन तीनों लेक्चर आप ढंग से लिख के पहले रिवाइज कर लीजिए, देन असाइनमेंट का वर्क शुरू कीजिएगा, ठीक है। गुड लक, मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरी मेहनत के लिए एक कमेंट भी कीजिएगा, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, या अपने फेसबुक ग्रुप में, या अपने इंस्टा में ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके सर को लोग जान सकें और हमारी मेहनत इस छुट्टियों में भी, इस लॉकडाउन में भी बर्बाद ना जाए। जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ वो करने के लिए मुझे और इनकरेजमेंट मिले, और घर बैठे मैं आपकी हेल्प करता रहूँ ताकि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि इतने दिन तक कभी भी मैं अपने स्टूडेंट से दूर नहीं रहा, ये पहली परिस्थिति ऐसी बन रही है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन कोई बात नहीं, ये दूरी नहीं है, इसको हम कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ बना के रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।